जगदलपुर बस्तर कांग्रेस पार्षद कोमल सेना की अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। 7 दिन से गुहार लगा रही महिलाओं को अब तक इंसाफ नहीं मिलता दिख रहा है। इसी बात को लेकर इन महिलाओं ने इतनी ठिठुरती ठंड में बोधघाट थाने के सामने धरना शुरू कर दिया है। इन महिलाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम बताते हैं। 2 साल पहले संजय गांधी वार्ड की कांग्रेस पार्षद कोमल सेना ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए ले लिए थे। 2 साल बीत जाने के बाद उन्हें घर नहीं मिलने पर इन महिलाओं ने अपने आप को ठगी महसूस किया। जब पार्षद के पास मकान मांगने पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ना ही मकान मिलेगा और ना ही तुम्हारे पैसे, जिसे लेकर ये महिला 7 दिनों से बोधघाट थाने जाकर पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कहते हुए जा रही हैं। लेकिन इन महिलाओं की थाने में सुनने वाला कोई भी नहीं है। जब इन महिलाओं का दर्द भारतीय जनता पार्टी को पता चला तो भाजपा के कई नेता इनके साथ सड़क पर उतर चुके हैं। दिन भर की लड़ाई के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, जिसे लेकर भाजपा के नेता और 40 महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों के साथ टेंट में ही रात गुजारने को मजबूर हैं। वार्ड की पार्षद हैं, उनके नाम से यहाँ पे कंप्लेंट कराने आए थे, जो कि हमको आवास योजना के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भरवाए थे, जो पैसा हम लोग जमा किए थे, जो कि वो मुकर गए कि वो पैसा नहीं लिए हैं हमसे और ना ही वो हमको आवास योजना देने वाली हैं। उसी के चलते हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आए थे, जो कि हमारा FIR अभी तक यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया है। उस कारण हम यहाँ पे टेंट लगा के सारी 40 के 40 महिला यहाँ पे अड़े हुए हैं। कल से कोमल सेना को पैसा दिए थे, लेकिन वो हम लोग को गुमराह करते करते आज तक हम लोग को ना घर दी ना पैसा दी। इस वजह से हम लोग रविवार को उनके घर गए थे हम लोग का जो घर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो हम पर हाथापाई किए और रविवार तक आज 7 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी सुनवाई नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग टेंट लगा के इस जगह पर बैठे हैं ताकि हमारा भी FIR हो और हम लोग का भी न्याय मिले बोल के। और मेरा मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि हमारी भी गुहार को सुने और हमारे लिए कुछ भी कदम उठाए ताकि हम महिलाओं को इंसाफ मिल सके। जो 40 महिला अपने बच्चे को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के इस ठंड के मौसम में इस टेंट के नीचे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी यही विनती है कि हम सब महिलाओं की दुख को देखें और हमारे लिए कुछ भी सही न्याय करें। प्रधानमंत्री के आवास दिलाने के नाम से जो ठगी, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, ऐसे हमारी शोषित पीड़ित बहनें इतने रात को भी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। और जो सरकार है, ये सब कुछ जानते हुए भी, इनके नेता सब जानते हुए भी अपने भ्रष्ट पार्षद को बचाने में पूरी ताकत लगाती हैं। 7 दिवस बीतने के बाद भी पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ी है, तो ये शासन जागे और हमारे प्रदर्शन के कारण जनता में भी इनका जो ये पाप है, ये जनता को भी पता चलना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है, जब सत्ता में आ गई है तो किस प्रकार का तानाशाही पूर्वक शासन कर रही है, तो सरकार भी जगे और जनता भी जगे और इसके माध्यम से ये जो पीड़ित हमारा परिवार है, हमारी बहनें हैं, इनको न्याय मिले, इनका पैसा वापिस हो और संभव हो तो इन्हें आवास भी मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अनिश्चितकाल धरना देने का एक तय किया है और देखेंगे पुलिस कब तक इन नेताओं का संरक्षण के कारण ये पुलिस FIR नहीं करती है और किसी भी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाने को तैयार है। कब तक इन महिलाओं की सुनी जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। या फिर ये महिलाएं अपने हक के लिए उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।